तो फाइनल दोस्तों कल यानी कि 7 जुलाई को आ चुके थॉर लव एंड थंडर। तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग, आपका स्वागत है यूनिकल दो चैनल में। तो भाई अगर आप ये सोच के जा रहे हो थिएटर्स में कि इस मूवी में आपको सिर्फ एक्शन ही देखने को मिलेगा तो वीडियो ऐसा नहीं है। तो थॉर लव एंड थंडर एक मसाला मूवी है जिसमें कॉमेडी, एक्शन, इमोशन, रोमांस ये सब कुछ देखने को मिल जाएगा। तो इस मूवी में कुछ ज्यादा ही कॉमेडी देखने को मिलेगी बाकी थॉर मूवीज के कंपैरिजन में। इस मूवी में एक्शन भी है लेकिन कुछ ही सीन्स है तो आपको उतना मजा नहीं आएगा, और इस मूवी की कॉमेडी तो आपको जरूर से हंसाएगी। तो शुरुआत से शुरू करते हैं। अपना थॉर गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के साथ मिलकर अलग अलग जगह पर जाकर लोगों को बचाने का काम कर रहा है और मजे से जिंदगी काट रहा है, लेकिन सिर्फ कमी है तो जेन फॉस्टर। लेकिन इस बीच उन्हें पता चलता है कि कोई बंदा है जो एक एक करके देवताओं का संहार कर रहा है, यानी कि उन्हें मार रहा है, और उसका अगला शिकार है अपना थॉर, गॉड ऑफ थंडर। और जो बंदा सभी देवताओं को एक एक करके मार रहा है वो बंदा है गॉड, जिसका रोल क्रिस्टन बेल ने प्ले किया है। तो इसके बाद एंट्री होती है माइटी थॉर की, यानी कि जेन फॉस्टर। तो थॉर और माइटी थॉर ये दोनों मिलकर गॉड को हरा पाते या नहीं ये तो आपको मूवी देखने के बाद पता चल जाएगा। तो मूवी के एंड में जाकर स्टोरी थोड़ी प्रिडिक्टेबल हो जाती है। तो ये मूवी आपको जरा सी भी बोर नहीं करेगी क्योंकि इस मूवी में कॉमेडी काफी की गई है, और एक्शन तो आपको जबरदस्त लगेगा क्योंकि इस मूवी में VFX और CGI का भर भर के यूज किया गया है। और जो गौर का कैरेक्टर है उस पे कम से कम CGI यूज किया गया है ताकि वो रियल लगे, और क्रिस्टन बेल और मूवी के बाकी सारे एक्ट्रेस ने भी बढ़िया एक्टिंग की है। और मूवी में कहीं कहीं आपको ऐसा लगेगा कि गौर के कैरेक्टर को ज्यादा टाइम देना चाहिए था, जो कि नहीं दिया गया है। गौर के बारे में सिर्फ स्टार्टिंग में ही बताया गया। गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी है इस मूवी में लेकिन उनका बड़ा रोल नहीं है इस मूवी में। ओवरऑल मूवी बढ़िया है, और अगर आप मार्वल की मूवीज देखना पसंद करते हो तो ये मूवी आपको जरूर से पसंद आएगी। आज के इस वाले वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, अच्छी लगी सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाकर इस वीडियो को शेयर कर देना। मैं मिलता हूँ तुमसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।